फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना कदम और आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैदिक पंचगव्य। हमारे चैनल में हम आपको पंचगव्य चिकित्सा और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में बताते रहेंगे। तो अगर आप भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम घर बैठे ही अपनी सेहत अच्छी रख सकते हैं, किस तरह से हम महिलाओं के गर्भाशय रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से घर बैठे बैठे ही हम वेट लॉस कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट कोई ऑर्गन है तो वो हमारा पेट है। अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो कोई भी बीमारी हमें आसानी से छू नहीं सकती है। तो इसी पेट को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, ये आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। दोस्तों, मुझे आज भी याद है, मेरी दादी रोज सुबह सुबह उठ के घर पर अनाज पीसती थी और वही आटा वो खाने में इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से देशी चक्की पे पीसे हुए आटे का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है, अगर हम देशी चक्की पे आटा पीसते हैं घर पे, तो वो हीट नहीं होता है क्योंकि वो लो आरपीएम पे बनता है। और वही अगर हम बाहर जाके चक्की पे आटा पिसवाते हैं तो आप भी जानते होंगे कि वो आटा इतना हीट होता है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से आटा हीट होने की वजह से क्या होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, वो 90% तक लॉस हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो आटा हीट हो रहा है। और अगर हम देशी चक्की पे आटा पीसते हैं इस तरह से तो हम धीरे धीरे लो आरपीएम पे पीसते हैं, जिसकी वजह से वो आटा बिल्कुल भी हीट नहीं होता है। उसके जो पोषक तत्व और जो न्यूट्रिएंट्स है वो 100% तक रिटेन होते हैं और हमें सत्वयुक्त अनाज खाने में मिलता है। दोस्तों, आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि हमें हमेशा ताज़ा और फ्रेश पिसा हुआ आटा ही खाना चाहिए। गेहूँ का आटा अगर 15 दिन पुराना हो तो उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ज्वारी, बाजरी और मक्के का आटा अगर 7 दिन पुराना हो तो उसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व है वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो आजकल तो मार्केट में पैक किया हुआ आटा भी मिलता है, पैकेजिंग में आता है वो आटा पता नहीं कितने महीनों पहले पिस कर रखा हुआ रहता है दोस्तों। तो उसमें आप ही सोचिए कि उसमें कितने पोषक तत्व होंगे। और इसी तरह का पैक्ड आटा खाने की वजह से लोगों में डायबिटीज़, बीपी और पेट की भी कई बीमारियाँ जैसे अल्सर, एसिडिटी, अपचन, गैस, इस तरह की अलग अलग बीमारियाँ हो रही है। तो अगर आप भी इस तरह की बीमारियों से बचना चाहते हो तो फ्रेशली पीसे हुए और देशी चक्की पे पीसे हुए ताज़े आटे का ही इस्तेमाल करें, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो इस चक्की का दूसरा अगला फ़ायदा है कि हमारे गर्भाशय का एक्सरसाइज होता है। अब आप देखिए, अगर मैं इस तरह से इस चक्की को घुमा रही हूँ तो मेरे हाथ की एक्सरसाइज हो रही है, मेरे जॉइंट्स की और कंधों की एक्सरसाइज हो रही है, मेरे पैरों की तक एक्सरसाइज हो रही है। और जब मैं इस चक्की को इस तरह से घुमाती हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो आता है वो मेरे पेट पे आता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि महिलाओं ने ये एक्सरसाइज करना ही करना है डेली एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि इससे हमारा गर्भाशय जो है उसमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। तो गर्भाशय में इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बने रहने का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चा निकलने में आसानी होती है। तो जो जितनी भी महिलाएं हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी वो डेली इस एक्सरसाइज को 15 से 20 मिनट तक कीजिए, जिससे कि उनके गर्भाशय में फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी बनी रहेगी और उन्हें नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होगी। और यही एक वजह है दोस्तों कि हम लोग भी जानते हैं कि पुराने ज़माने में औरतों को 10-10, 12-12 बच्चे होते थे, फिर भी हमें कभी ये नहीं सुनाई पड़ता था कि इसका सिजेरियन हो गया या फिर डिलीवरी के बाद उनका वेट गेन हो गया या फिर पेट बढ़ गया, जो कि आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया है कि पोस्ट डिलीवरी वेट गेन कर लिया है, पोस्ट डिलीवरी पेट बढ़ गया है। तो मैं सजेस्ट करूँगी दोस्तों कि औरतों ने, महिलाओं ने ये एक्सरसाइज डेली 15 से 20 मिनट करना ही करना है। और जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं वो 7वें महीने तक ये चक्की चलाने का एक्सरसाइज कर सकती है, 8वें महीने के बाद उन्होंने बंद कर देना चाहिए, जिससे कि उन्हें नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प मिलेगी। ओके दोस्तों, तो ये हो गए दो फायदे। अब इसका चक्की का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वेट लॉस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये चक्की वेट लॉस के लिए भी बहुत यूज़फुल है। अगर आप अपने पेट की चर्बी घटाना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये चक्की बहुत यूज़फुल है दोस्तों। मैं आपको बताती हूँ कि डेली हर रोज़ सुबह उठ के खाली पेट इस चक्की घुमाने के एक्सरसाइज को आप कम से कम 15 से 20 मिनट कीजिए, जिससे आपके पेट की चर्बी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और अगर आप वेट लॉस करना है तो आप 2 से 3 महीने तक इस चक्की के एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए और आप देखेंगे कि आपका 10 से 12 केजी वेट आप आसानी से लूज़ कर सकते हैं। इस चक्की का चौथा और आखिरी फायदा यह है दोस्तों कि इससे निकलने वाली साउंड एनर्जी। जी हाँ, इससे जब मैं घुमाती हूँ इस तरह से तो इससे जो साउंड क्रिएट होता है,
तो इससे जो साउंड क्रिएट होता है, तो पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि इस साउंड एनर्जी की वजह से या साउंड वेव्स की वजह से घर में जो निगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बने रहने में हेल्प होती है। इनफैक्ट मॉडर्न रिसर्चर्स ने तो ये भी प्रूव कर दिया है कि चक्की का जो साउंड फ्रिक्वेंसी है उसकी फ्रिक्वेंसी वजह उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो ये हो गया दोस्तों चक्की के फ़ायदों के बारे में। अब मैं आपको इस चक्की के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। ये चक्की नॉर्मल चक्की नहीं है दोस्तों, ये बैरिंग वाली चक्की है जिसे राजीव दीक्षित जी ने इन्वेंट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे इस साइड में से नट बोल्ट लगा हुआ है। अगर इस नट को मैं लूज़ करती हूँ तो ये चक्की टाइट हो जाती है। टाइट होने के बाद ये दोनों लेयर्स के बीच में गैप कम हो जाता है जिससे हम आटे को काफ़ी पतला पीस सकते हैं। और अगर हमें आटा मोटा चाहिए होगा तो हम इस नट को इस तरह से टाइट कर दें। टाइट करने के बाद ये दोनों लेयर्स के बीच में गैप बहुत बढ़ जाता है। और हम आटा मोटा पीस सकते हैं इस तरह से। अगर हमें दलिया बनाना हो या फिर कोई आटा मोटा पीसना हो तो हम आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों ये चक्की हमने राजस्थान के जयप्रकाश जी से मंगाई थी। अगर आपको भी ये चक्की पसंद आई है और आप भी इसे मंगवाने में इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दूँगी। तो दोस्तों ये हो गया चक्की के बारे में। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से कि ये चक्की हमारे सेहत के लिए कितनी यूज़फुल है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप सब भी ये चक्की इस्तेमाल करें और हेल्दी रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएँ जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले मिलते रहेंगे। थैंक यू।